नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा मंच के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रीट वैकेंसी को लेकर। तो दोस्तों, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो मुद्दे पर बात करेंगे वो जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, थंबनेल में आप सभी ने देखा होगा कि कितने पद खाली है। देखिए कितने पद खाली है, हम रीट की तो बात करेंगे, साथ ही में फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और आपके पीटीआई सेकेंड ग्रेड और पीटीआई थर्ड ग्रेड की हम बात करने वाले हैं कि कितने पद अभी खाली है। और सेकंड जो अपना मुद्दा रहने वाला है आज के वीडियो में वो ये है कि आपकी कब आएगा नोटिफिकेशन, आपके रेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। और साथ ही में हम बात करेंगे कि पिछली बार पात्रता परीक्षा जिन्होंने पास कर ली उनका क्या होगा, क्या उनको अब और से एग्जाम देना होगा या पहले वाली जो पात्रता वही आपके काम आएगी। तो इन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज क्या कर ले, आप लाइक कर ले। चलेगा, आगे चलते हैं हम। और आज की क्लास, आज की सेशन का जो पहला मुद्दा है उस पर बात करते हैं। या मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि कल आपकी एक एग्जाम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी। उस बैठक में कुछ फैसले आयोजित हुए, बैठक में कुछ फैसले आए थे। सबसे पहले हम उन फैसलों पर बात कर लेते हैं। तो उस बैठक में आपको ये कहा गया कि रीट 2025 की परीक्षा, क्या कहा कि रीट परीक्षा 2025 का जो आयोजन है उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपको दी गई। उनमें यह कहा गया कि रीट की जो पात्रता एग्जाम है, तीन फैसले कल की दिनांक में दिए गए कि रीट पात्रता जो एग्जाम होगी वो जनवरी जो माह है आपका, जनवरी माह जो 2025 का है उसके दूसरे पखवाड़े में आयोजित होगी। साथ ही में इन्होंने कहा कि रीट जो पात्रता परीक्षा है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। मतलब पहला तो ये कि जनवरी में आपकी एग्जाम हो जाएगी, दूसरी ये कि आपकी एग्जाम कौन करवाएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। साथ में इन्होंने कहा कि अब की बात क्या होगा, क्या होंगे, स्टूडेंट को कितने ऑप्शन दिए जाएंगे, पांच ऑप्शन दिए जाएंगे, नई प्रणाली को परीक्षा में किया जाएगा लागू। शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी ने ये आपको कही गई है। मतलब कल की जो बैठक हुई उसमें तीन फैसले लिए गए और उन तीनों फैसलों में से पहला फैसला ये कि आपकी रीट पात्रता जो एग्जाम है वो जनवरी में आयोजित होगी, साथ ही में आपकी रीट पात्रता जो एग्जाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा, क्योंकि ये भी काफी लंबे समय से चल रहा था कि रीट एग्जाम करवाए कौन। साथ ही में आगे बात की गई कि चार ऑप्शन की जगह कितने ऑप्शन दिए जाएंगे, पांच ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इस बात से हम एक बात ये पता लगा सकते हैं कि जनवरी में अगर आपकी पात्रता एग्जाम होगी तो आपकी जो मेन एग्जाम है, रीट मेंस कह सकते हैं या आप थर्ड ग्रेड कह सकते हैं, ये वाली जो एग्जाम है आपकी ये कब तक हो जाएगी, तो अप्रैल मई तक ये एग्जाम है हो सकती है। तो आप सभी को क्या हो जाना है, तैयार हो जाना। साथ ही में अगर हम आज का जो अपना क्वेश्चन है पहला वाला उस पर चलें तो देखिए कितने पद कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से स्टेप में आपके खाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रेड की। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक स्कूल शिक्षा विभिन्न विषय के लेक्चरर, यानी कि फर्स्ट ग्रेड के कितने पद खाली आज की डेट में। तो आपके 17,338 पद कौन से डिपार्टमेंट में, या मैं कहूं कि फर्स्ट ग्रेड में खाली है। वहीं अगर सेकंड ग्रेड की बात की जाए तो सेकंड ग्रेड में आपके 25,351 पद खाली है। और वहीं अगर बात की जाए अध्यापक लेवल वन और लेवल टू की बात की जाए तो वहां पे भी आपके 23,373 पद खाली है। साथ ही में पीटीआई की भी अगर बात कर ली जाए तो पीटीआई आपका जो सेकेंड ग्रेड होगा, पीटीआई सेकेंड ग्रेड में आपके 1920 पद खाली है, और पीटीआई थर्ड ग्रेड जो होगा उसमें 960 पद खाली है। तो ये आपके पद जो खाली है उनकी डिटेल है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तो इसमें से आधे पद तो मैं कह सकता हूं 1/2 या मैं कहूं आधे पद तो आपके प्रमोशन से भरे जाते हैं। तो आप मान के चलिए कि जैसे 17,000 ये है तो 8,000 या 9,000 के आसपास तो फर्स्ट ग्रेड के पद खाली है। वहीं पे 25 का आधा किया जाए तो 12-13,000 आपके कौन से, सेकेंड ग्रेड के खाली, जो बिल्कुल नए वालों बच्चों को मौका मिलेगा, बाकी तो आपके प्रमोशन से फिल किए जाएंगे। साथ ही में 23,376 पद आपके रीट के खाली है, मतलब आपकी रीट पात्र सॉरी मैं कहूं कि रीट ना कहकर मैं कहूं कि थर्ड ग्रेड के खाली है, और 1920 आपकी पीटीआई के, और ये आपके 1960 आपके कौन से ग्रेड के, पीटीआई थर्ड ग्रेड के, ये आपके जो पद खाली है उनकी सूची है। साथ ही में आगे अगर बात करें पर कि जिन्होंने पिछली बार पात्रता पास कर ली, इस क्वेश्चन का जवाब मैंने पहले भी दे दिया आपको कि जिन्होंने पिछली बार पात्रता परीक्षा पास कर ली उनका क्या, तो मैं कहूंगा कि अगर आपकी इच्छा है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो पिछले साल वाली जो रीट की आपकी सर्टिफिकेट है या रीट पात्रता आपके पास में है उसके माध्यम से आप सीधा क्या कर सकते हैं, मेंस एग्जाम लिख सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में बस अपन यही कहना चाहेंगे, इतना ही आज का वीडियो, कि कितने पद खाली है वो हमने बता दिए, क्या क्या नई चीज अपडेट हुई है वो भी आपको बता दी गई है। साथ ही में आप सभी का एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पिछली बार जो रीट पात्रता पास कर ली उनका क्या, तो वो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे क्लियर करवा दिया गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।